नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर में कपाल मोचन रोड पे, जहाँ पर आपको बता दें कि कपाल मोचन 2020 का मेला स्थगित होने के बाद जो है पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी, और जिसके मद्देनज़र आज शाम को यानी कि आज 29 तारीख है और कल गुरुपुर्व का विशेष दिन है, और जिसके चलते पंजाब व अन्य राज्यों से जो है श्रद्धालु हरियाणा कपालमोचन में पहुंचने वाले थे, और प्रशासन ने पहले ही जो अलर्ट जारी किया था कि कोई भी श्रद्धालु कोई भी बाहर का गाड़ी जो है मेले में ना पहुंच पाए, जिसके चलते चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई थी और कई दिनों से जो है पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और नाकाबंदी करके जो है बाहर की जो भी कोई गाड़ी आ रही है उस गाड़ियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक कर चेक किया जा रहा है, और जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको वापस जो है पंजाब की तरफ भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पे बिलासपुर पुलिस की तरफ से नाका लगाया गया, और विशेष तौर पे SHO जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या किस चीज़ के लिए नाका लगाया गया, और क्या आप देख सकते हैं कि बाहर से जो भी गाड़ी आ रही है उनको विशेष तौर पे चेक किया जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है कि मेले की तरफ जो है कोई भी ना जा सके। तो हमारे साथ SHO बिलासपुर बलराज सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस लिए यहाँ पर नाका लगाया गया और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? मेला कपाल मोचन में है, पहले ही प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया है। मैं अब भी फिर भी गाए कुछ हैं जिनको श्रद्धालुओं को पता नहीं लगा भाई मेले में अब की बार रोक है, मेले में नहीं आना है, वो कुछ लोग आ जाते हैं उनको समझा कर वापस भेजा जा रहा है। तो सर, सुबह से लोग श्रद्धालु आ भी रहे हैं जिनको अपने वापस भेजा है? कुछ लोग आए हैं, 5-7-10 गड़ियाँ आई हैं जिनको वापस भेज दिया, समझा बुझा के वो वापस चले गए। तो ये सर कब तक नाकेबंदी रहेगी बिलासपुर क्षेत्र में? ये कल तक चलेगी, कल शाम तक नाकाबंदी चलेगी। तो लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील, अब मेरी यही अपील है लोगों से भी, आपकी बार प्रशासन द्वारा बंद किया है, कोरोना महामारी को लेकर मेले में आने के लिए रोक लगाई है, कृपया आप मेले में ना आए। तो सर मास्क को लेकर भी चलानी वगैरह की जा रही है, दुरुस्त है मास्क को लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है बिलासपुर क्षेत्र में? हाँ, मास्क के लगातार चलान किए जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं मास्क का प्रयोग करें। तो सर कितने रुपए का चलान जो है सरकार द्वारा बढ़ाया गया कि सर 500 रुपए का ही है? नहीं, अभी 500 रुपए का ही है हमारे यहाँ, 500 रुपए का। तो लोगों को मास्क डालने की क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को मेरी यही प्रार्थना, लोगों से भी अपना मास्क का प्रयोग करें, अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, कोरोना महामारी अभी है, और दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं बलराज सिंह SHO थे बिलासपुर से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मेले को लेकर जो है ये आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है मोटरसाइकिल पर जो है यहाँ पर पहुँचे, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं। पुलिस ने जो है उनको यहाँ पर चौंक नाकेबंदी की गई थी और वहाँ पर रोका गया है, और आप देख सकते हैं PB नंबर की ये जो गाड़ी है PB48E7899 ये यहाँ पर पहुँचे, इनसे भी जानेंगे आखिर कहाँ से हैं। हाँ जी सर, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे थे? सर, असं आए हैं फतेहगढ़ साहब जिले तो जी। हाँ जी, और कहाँ जा रहे हैं? असी जाए थी कपाल मोचन गुरुद्वारा साहब जी। तो आपको पता नहीं है कि अब की बार जो है कपाल मोचन का मेला नहीं लगाया जा रहा? नहीं जी सर, आपको पता नहीं था जी, बंद है कि नहीं जी, सानू जो पता होता जी, कहानू इतनी दूर असी आते जी। तो कब से चले हुए हैं? मोटरसाइकिल पर ही जा रहे हैं? मोटरसाइकिल पर ही जा रहे हैं जी सर। अच्छा, हाँ जी। तो अभी पुलिस ने आपको रोका गया है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है जी मेला अभी बंद है जी। असं क्या सर, भी असं दूर में आए हैं, भी असं मत्था टेक लिया गुरुद्वारा में वापस चले जाएंगे जी, यही साडा हो गया जी, साड़ी मानता जो पूरी हो जू शरदा जी। कितनी गाड़ियां पे आए हैं आप? आप तो जी एक ही गाड़ी पर आए हैं जी, साइकिल पे आए हैं। हाँ जी, हाँ। तो अभी आप दर्शन करके वापस लौट जाएंगे? दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। आपको कोई भी सूचना नहीं मिली थी आपके शहर गांव में भी अब की बार जो है कपाल मोचन मेला नहीं लगेगा? ना जी ना, साढ़े सर उधर पता भी नहीं जी है कपाल मोचन का। अभी असं जो पहले 2 दिन बाद आए हैं जी, सानू ये पता है, वो मोटरसाइकिल पर आए हैं जी। तो कितने सालों से आ रहे हैं आप? तो 2-3 बार आ ले जी यहाँ पर। 2-3 बार? हाँ जी। आप सर कहाँ से आए हैं? इसके नाले साथ ही है। साथ ही है। तो अभी आप मत्था टेक के साथ ही साथ वापस पलट जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को जाकर बताएं कि अब की बार फोन करते अगर आपके कोई साथी जो है वहाँ से चला हुआ है उनसे फोन पे संपर्क करके उनको बता दें कि अब की बार मेला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख आइए जी, ये तो आप प्रशासन से पूछ लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक और गाड़ी जो है वो यहाँ पर जा रही थी और जिसको पुलिस ने रोका है और समझा रहे हैं कि मेले में जो है अब की बार एंट्री नहीं है। फिर भी जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हर जगह जानकारी नहीं होती, लोग चल पड़ते हैं लेकिन जानकारी के अभाव से जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ से जो है पुलिस प्रशासन उनको वापस भेज रहा है। लगातार तस्वीरें हैं बिलासपुर, जहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा नाकेबंदी की गई थी और
बताया भी गया था कि अब की बार 2020 में जो है कपाल मोचन मेला जो है वो नहीं लगने वाला, और जिस कारण से नाकेबंदी की थी ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है मेले के अंदर ना जा सके, अगर फिर भी कोई आता है तो उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं मास्क की जो है वो भी चलानिंग की जा रही है, जो लोग मास्क नहीं पहने, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितने लोग हैं और उन्होंने कितने लोगों ने मास्क जो है वो नहीं डाला हुआ, करीबन जो है पीछे जो है उन लोगों ने मास्क नहीं डाला। अब जो देखते हैं कि पुलिस ने इनका चलान काटा है, अब जाके वो मास्क डाल रहे हैं, तो लगातार तस्वीरें ये नंबर का देख सकते हैं जो सामने ऐसी 2403, अब हो सकता है इनका जो है मास्क। हाँ जी, किस लिए रोका गया आपको, क्या कहना चाहते हैं? हम तो जा रहे थे जी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? इनके कहाँ पे? ये शेरगढ़। अच्छा, तो पुलिस ने किस लिए रोका? हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन जो चेकिंग अभियान के दौरान इनको रोका गया है, तो मास्क का जो है चलान वो यहाँ पर इनका किया जा रहा है। तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके चलते जो है मास्क जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं मास्क डाल कर यहाँ पर जा रहे हैं, और गाड़ियाँ जो है लगातार चेक की जा रही हैं बिलासपुर पुलिस की तरफ से। मास्क कटा है सर? तो आपने मास्क नहीं डाला हुआ था? सर डाला हुआ था, उन्होंने नहीं डाला हुआ। अच्छा, कितनी सवारियाँ थी इस गाड़ी में? पांच थी, पांच ही है सर। पंचों ने मास्क नहीं डाला था? नहीं, सबने डाला हुआ सर, एक ने नहीं डाला हुआ था। कहाँ जा रहे थे सर? बहन को छोड़ने जा रहे हैं। मास्क आपको पता है ना जरूरी है? हाँ जी सर। आगे से ध्यान रखिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी में सवारियाँ थी, मास्क नहीं डाला, और पुलिस ने जो है इनका मास्क का चलान काटा। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, और जहाँ भी आप सफ़र करते हैं मास्क जो है उसको अपनी ज़रूरत समझें, क्योंकि मास्क के बिना घर से निकलना जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और मास्क ज़रूर डालें। बिलासपुर पुलिस का स्पेशल अभियान जो है कपाल मोचन मेला की विशेष तौर पर नाकेबंदी की गई है, और जो लोग मास्क नहीं डालकर आते उनका भी जो है चलान यहाँ पर किया जा रहा है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, और मास्क डालकर जो है आप लोग घर से ज़रूर निकलें।